के माने के बैक अगेन विद अनदर वीडियो ऑफ माइन एंड आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे एंड हियर वी हैव दिस चैप्टर वी हैव बीन एबल टू डू इट फॉर द लास्ट टू डेज बट वी विल जस्ट कंटिन्यू ऑन। हम लोग अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं चैप्टर की मेन विल हेडिंग करंट। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक करंट? एक इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन होता है एक स्ट्रीम विल एक फ्लो ऑफ चार्ज से हम लोग डिफाइन करते हैं। इट्स समथिंग लाइक दैट दिस दैट नॉर्मली वी हैव स्टडीड कि जब चार्जेस स्टैटिक होते हैं तब कैसे सिचुएशंस अराइज करते हैं, कैसे वो अट्रैक्ट करते हैं और रेपल करते हैं। बट वेल जब इलेक्ट्रिक चार्जेस मोशन में होते हैं देन वी हैव टू स्टडी दिस सब्जेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। इन द रीजन वेल व्हाई यू आर स्टडिंग दिस करंट इलेक्ट्रिसिटी इट्स वेरी अपेरेंट एक्चुअली कंसिडरिंग कि जो आप अपने आप अपने घरों में देखते हैं जो फैन यूज हो रहे हैं, ये लाइट बल्ब से यूज हो रहे हैं, ये सब मोशन चार्जेस एंड मोशन का यूज कर रहे हैं, ये सब करंट का यूज कर रहे हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली इज अ करंट? वेल एन इलेक्ट्रिक करंट इज समथिंग लाइक यू हैव अ चार्ज अ फ्लो ऑफ चार्ज। इसकी अगर हम लोग देखें तो क्वांटिटेटिवली कैसे डिफाइन होता है, ये डिफाइन हो जाता है कि किस रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है। अब देखो यहाँ पे किस रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है। होता क्या है कि आपके पास कोई भी मटेरियल है, मान लो आपके पास एक वायर है तो इसमें कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये हमेशा रैंडम मोशन करते रहते हैं, राइट? इनका रैंडम थर्मल मोशन होता है एंड ये जो रैंडम मोशन होता है इसकी वजह से कोई करंट नहीं होगा। इस रीजन से कि अगर एक इलेक्ट्रॉन मान लो इस डायरेक्शन में चल रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी होगा जो कि इस डायरेक्शन में चलेगा एंड इनकी इनकी टोटल जो हमारी फ्लो होगी कि अगर यहां से यहां एक इलेक्ट्रॉन गया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ जाएगा एंड कोई चार्ज का टोटल फ्लो हुआ नहीं है। सो ये जो रैंडम मोशन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का उससे कोई करंट नहीं बनता है। राधा अगर मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो इफ दे आर इलेक्ट्रॉन्स तो ऑब्वियसली हमें पता है जो फोर्स एग्जर्ट होता है किसी चार्ज पे वो होता है दैट चार्ज टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। जिसमें हम लोगों ने रखा है कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगती है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स लग जाएंगी ऑपोजिट डायरेक्शन क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है तो फोर्स का माइनस ई में डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ड्रिफ्ट करना शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली रैंडम मोशन अभी भी हो रहा है लेकिन इन सारे इलेक्ट्रॉन्स पे वेल फोर्सेस लग रहे हैं एंड ये फोर्सेस सारे इस डायरेक्शन में लग रहे हैं सो दे विल आल्सो एक्सेलरेट ड्रिफ्ट। ये रैंडम मोशन अभी भी हो रहा है लेकिन एक्सेलरेशन की वजह से इधर ड्रिफ्ट होगा। ये रैंडम मोशन का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड काफी बड़ा होता है, इनकी वेलोसिटी के ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड रफली लाइक दिस। That is basically roughly the speed as far as I remember something like that ही होता है the order of magnitude for their velocities for random motion। लेकिन अगर इनकी drifting का देखें तो ये काफी slow होता है it's something like 10⁻²⁰ meter per second so that's like 1 centimeter per second की rate से drift करते हैं normally। तो ये जो drift होता है इससे कई सारे electrons इस direction में जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जाएंगे मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां गए तो यहां पे नेगेटिव चार्ज जो स्टोर होना शुरू हो जाएगा नॉट स्टोर यू वुड कॉल इट एक्युमुलेट तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज बचेगा क्योंकि इस केस में वेल यू कैन क्लियरली से दैट अब यहां पे नेगेटिव चार्ज है यहां पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा अगर इलेक्ट्रॉन्स यहां से हट रहे हैं। सो दैट इज इक्विवेलेंट टू सेइंग कि यहां से पॉजिटिव चार्ज यहां पे जा रहा है बट वेल यू कैन से कि मैं डिफाइन कर सकता हूं यहाँ पे जिस रेट से चार्जेस ड्रिफ्ट कर रहे हैं चल रहे हैं उस रेट को मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन कर दिया एंड जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं उस डायरेक्शन के ऑपोजिट मैंने कन्वीनियंस के लिए डिफाइन कर दिया कि वेल उस डायरेक्शन के ऑपोजिट है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन या फिर सारे इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में चल रहे हैं इसका मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज यहां पे जा रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कर दिया गया इसका डायरेक्शन क्या होगा दैट ऑफ पॉजिटिव चार्ज जिसमें पॉजिटिव चार्ज चलेगा मतलब ऑपोजिट टू जिसमें नेगेटिव चार्ज
चलेगा। तो यहाँ पे करंट क्या है, आई से डिनोट करते हैं, कई बार स्मॉल आई यूज होते हैं, करंट इस डायरेक्शन में, करंट स्केलर है या वेक्टर है, एक्चुअल में करंट स्केलर क्वांटिटी है, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे ये वेक्टर नहीं है, ऑल्दो इसके पास यहाँ पे डिफाइन किया जाता है कि वेल डायरेक्शन है, लेकिन ऐसा कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि ये है तो इन द एंड एट द एंड ऑफ द डे एक रेट ऑफ फ्लो कि किस रेट से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। सो दैट इज नॉट एग्जैक्टली अ वेक्टर, अगर आप इसके एक स्ट्रिक्ट डेफिनेशन से भी देखते हो, दैट्स अ ट्रायंगुलर रूल वेल फॉलो नहीं करते। अब कुछ लोग कहेंगे कि वेल करंट तो एक टेंसर क्वांटिटी है, सो प्लीज आई लिटरली क्रिंज व्हेन समवन सेज कि करंट स्केलर वेक्टर नहीं है, करंट एक टेंसर है। आई मीन दिस इज जस्ट, दिस रियली रिप्रेजेंट्स इग्नोरेंस। So if you don't know what a tensor is, stop talking कि current एक scalar vector नहीं है, current एक tensor है, क्योंकि एक tensor basically कुछ geometrical objects होते हैं। Here I would really like to elaborate on this, because I know there might still be some people जो कि comment में लिखेंगे current scalar vector नहीं है, tensor है। Tensors geometrical objects होते हैं जिनकी basically magnitude या direction अगर define किया जा सकता है, तो जिनकी जो एग्जिस्टेंस है ये इस बात पे डिपेंड नहीं करती है कि आपने कौन सा कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज किया उन्हें डिफाइन करने के लिए। सो आपके पास एक वेक्टर है, इस डायरेक्शन में है, वेल अगर आपके पास एक सर्टेन मैग्नीट्यूड का वेक्टर है, तो आपने क्लियरली कह दिया कि मान लो दिस इज अ पोजिशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 2 meters इन दिस डायरेक्शन। आपने एक ऐसा कोऑर्डिनेट एक्सिस यूज किया, आपने एक ऐसा कोऑर्डिनेट एक्सिस यूज किया, अगर आपने कैसा भी कोऑर्डिनेट एक्सिस यूज किया, ये जो वेक्टर होगा वो वही होगा, राइट? तो ऑल्दो अलग कोऑर्डिनेट एक्सिस यूज करने से आपको अलग कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स अलोंग द एक्सिस मिल जाएंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस यूज किया, लेकिन इसकी जो लेंथ होगी इस वेक्टर की, लेंथ सेम होगी, इस वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी। तो एक वेक्टर भी एक टेंसर है। आपके पास कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स होते हैं, वेल दिस इज वन ऑफ द रूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, दिस इज वन ऑफ द रूल्स ऑफ टेंसर क्वांटिटीज। तो इसके अलावा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स हैं, जो भी क्वांटिटीज इन रूल्स को फॉलो करते हैं वो क्वांटिटीज टेंसर है। दैट सेट स्केलर्स एंड वेक्टर्स सारी क्वांटिटीज टेंसर क्वांटिटीज होती है। आपने फोर्स दिया है, आपने मास लिया, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, एनर्जी, स्ट्रेस, वेल नाउ यू हैव मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और यू हैव करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड। आप कोई भी ऐसी क्वांटिटी सोच रहे हो, ये सारी क्वांटिटीज स्केलर एंड वेक्टर में, यूर क्लासिफाइंग मोस्ट ऑफ देम, कुछ स्केलर से कुछ वेक्टर से, ये सारी क्वांटिटीज मिलके टेंसर्स भी हैं। तो स्केलर्स एंड वेक्टर्स टेंसर्स के अंदर फॉल करते हैं। तो सर्टेनली करंट एक टेंसर क्वांटिटी है, लेकिन ये कहना स्टुपिडिटी होगी कि करंट स्केलर एंड वेक्टर नहीं है बल्कि टेंसर है, क्योंकि वेल सारे स्केलर्स एंड वेक्टर्स टेंसर्स होते हैं, दो देयर आर सम क्वांटिटीज जो कि टेंसर्स हैं लेकिन स्केलर वेक्टर में क्लासिफाई नहीं किया जा सकता। करंट इज नॉट वन एग्जाम्पल ऑफ दैट। सो यस, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, एंड डोंट एवर गो फॉर सेइंग दिस इट इज नॉट अ स्केलर और वेक्टर, बिकॉज वेल मोस्ट ऑफ द टाइम आई हियर पीपल स्पीकिंग कि करंट स्केलर वेक्टर नहीं है, टेंसर है। उन लोगों को नहीं पता होता है कि टेंसर क्वांटिटीज होती क्या है। इट इज अ मैथमेटिकल थिंग बाय द वे। अब यहाँ पे डिस्कस किया जाए, सो वेल करंट इज अ स्केलर, इसका डायरेक्शन, वेल डायरेक्शन यू एज आई हैव सेड, इसका कोई ऐसा यूनिक डायरेक्शन नहीं होता है एज जिससे आप ट्रायंगुलर रूल ऑफ वेक्टर एडिशन यूज कर लो। तो इसकी डायरेक्शन के लिए स्पेसिफिकली एक और टर्म डिफाइन होता है, जिसको हम लोग करंट डेंसिटी कहते हैं, बट विल बी टॉकिंग शॉर्टली अबाउट दैट। यहाँ पे अब भी हम लोग इसकी मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। अगर एक कॉन्स्टेंट रेट से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो डिफाइन होता है कि करंट विल बी कि कितना चार्ज एक गिवन क्रॉस सेक्शुअल एरिया से फ्लो कर रहा है। सो यू कंसिडरिंग क्रॉस सेक्शुअल एरिया, यहाँ पे ये जो क्रॉस सेक्शुअल एरिया मैंने कंसिडर किया है, छोटा सा ही कंसिडर किया है, इससे अगर एक चार्ज q टाइम t में फ्लो कर रहा है, सो आई विल से दैट वेल द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शुअल एरिया इज q by t। वरना इफ इट इज लाइक दिस कि एक वैरिंग अमाउंट ऑफ फ्लो है, एक वैरिंग रेट ऑफ फ्लो है, सो इट इज लाइक dq ओवर dt। यू नो हाउ इट गोज, राइट? यू नो हाउ इट गोज, दैट इज dq ओवर dt। आपने डिफाइन कर दिया कि दिस इज द रेट एट विच चार्जेस आर फ्लोइंग with respect to time, and so that is how you define current. अब SI units में इसे ampere में define करते हैं,
डिनोटेड बाय द लेटर ए. आपको पता है कि एक एम्पियर होता है 1 कूलम्ब पर सेकेंड. इसका मतलब एक सेकेंड में 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो कर रहा है, सो दैट इज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर. अगेन 1 कूलम्ब इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज जब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एटलीस्ट कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1 कूलम्ब एंड 1 कूलम्ब आपके पास दो चार्जेस हैं ईच 1 कूलम्ब एंड उन्हें 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हो, सो दैट मीन्स उनके बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी 9×10⁹ N की. सो इट इज अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ फोर्स. बट 1 एम्पियर के यूजली करंट्स आपको देखेंगे एज यू आर प्लगिंग योर फोन इनटू चार्जिंग, सो मे बी देर आर मोर देन सर्टेनली मोर देन 1 एम्पियर ऑफ करंट दैट इज फ्लोइंग इनटू योर फोन टू एक्चुअली चार्ज इट. एंड ऐसा क्यों? क्योंकि काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स को कंबाइन किया जाता है टू प्रोड्यूस 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज. सो इट्स लाइक आपको पता है कि एलिमेंट्री यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, 1.6×10⁻¹⁹ कूलम्ब. So you can, what you can do is divide 1 coulomb by 1.6×10⁻¹⁹ coulomb and you can find that it comes about to be, as far as I remember, 6.25×10⁻¹⁸, right? So itne electrons milke 1 coulomb ka charge banate hain. Itne electrons milke 1 coulomb ka charge banate hain. Okay? सो नाउ यू हैव इलेक्ट्रिक करेंट्स इन कंडक्टर्स. सो अगेन ये जो एग्जाम्पल मैंने कंसिडर किया था ये कंडक्टर का ही एग्जाम्पल कंसिडर किया हूँ, क्योंकि एक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते, सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि अपनी वेल एटम की आउटर मोस्ट शेल से देर रियली फ्री एंड सो जब भी आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल लगाया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन्हें ड्रिफ्ट करा सकती है एंड एज दे आर ड्रिफ्टिंग वेल दे आर प्रोड्यूसिंग करंट. बट वन थिंग टू नोटिस ऑफ कोर्स इज कि ये करंट ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी कि अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो यहाँ पे लगा दिया. सो फॉर वन इंस्टेंस और मे बी फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यू यूज द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ टाइम डेल्टा टी, तो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करेंगे, इनकी एक्सेलरेशन एक्वायर हो जाएगी जिससे वेलोसिटी एक्वायर हो जाएगी. अब ये वेलोसिटी तो एग्जैक्टली उतने टाइम में नहीं जाएगी, लेकिन जब इतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ड्रिफ्ट कर गए सो आपके यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इधर पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव चार्ज. तो अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड अब हट गई तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये होगा कि अब इस डायरेक्शन में इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से जो कि फ्लो हो चुका है इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगने लगेगी पॉजिटिव से नेगेटिव. इस डायरेक्शन में फील्ड लगेगी, अब इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट टू फील्ड चलते हैं जिसकी वजह से अब इलेक्ट्रॉन्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब जहां से आए हैं वहां पे फिर चलना शुरू कर देंगे एंड ऐसे होता रहेगा एंड यू विल फाइनली सी कि इलेक्ट्रॉन्स अब फिर से अपनी ड्रिफ्ट बंद करती हैं. इसी रीजन से वेल आपको बैटरीज की जरूरत पड़ती है किसी भी करंट को टू मेक इट कीप गोइंग राइट दैट, क्योंकि जब आपके पास बैटरी नहीं है, कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है जो कि उनको कॉन्टिन्यूसली एनर्जी प्रोवाइड करे, आपको पता चलेगा दैट वेल इलेक्ट्रॉन्स अपनी इंटरनल फील्ड्स की वजह से दे आर गोइंग बैक एंड जिसकी वजह से ये स्टेबलाइज हो जाते हैं टू से इट इन सिंपल वर्ड्स एंड अब आपके पास कोई ऐसी फील्ड नहीं है. सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड, वरना फील्ड अप्लाई करते रहो, दैट वुड बी द अदर सॉल्यूशन. हियर वी आर डिस्कसिंग ओम्स लॉ. यहाँ पे ओम ने, जॉर्ज साइमन ओम ने डिस्कवर किया था कि आपके पास अगर कोई भी सर्फेस है, कोई कंडक्टर है फॉर इंस्टेंस, एंड दिस इज वैलिड ओनली फॉर अ सर्टेन क्लास ऑफ कंडक्टर्स, मतलब ये सिर्फ एक अप्रोक्सीमेशन ही है. उनको पता चला कि किसी भी कंडक्टर से जो करंट फ्लो करती है ये प्रपोर्शनल होती है कि उसके एंड्स के अक्रॉस, उसके एंड्स के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है. सो हियर ही सेड दैट वेल वी इज रियली प्रपोर्शनल टू आई, मतलब आपको अगर डबल करंट चाहिए तो आपको डबल पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा. Now, if you say that, what it basically means is कि V को मैं some certain proportionality constant times I लिख सकता हूँ and he wrote it in this form that V equals IR, जिसे अब Ohm's law कहा जाता है. इसका मतलब basically यही है that well V is proportional to I. हम लोगों ने एक proportionality constant अब यहाँ पे use कर लिया है जो कि depend करता है किस किस चीज पे, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर द वेल कंडक्टर, कि जिस कंडक्टर को हम लोग यूज करें उसके मटेरियल की प्रॉपर्टी पे एंड उस
कंडक्टर की ज्योमेट्री पे, उस कंडक्टर की ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करता है। तो इससे भी अब दो पार्ट्स में आप वेल डिवाइड कर सकते हो कि एक हो गया, एक आपके पास फैक्टर है इस मटेरियल की प्रॉपर्टी के लिए, दूसरा फैक्टर है इसकी ज्योमेट्री के लिए, विच विल शॉर्टली बी डूइंग। तो ये जो हमारे कॉन्स्टेंट है इसे कहते हैं हम लोग रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस को अगर आप देखो ये एग्जैक्टली हो गया वी बाई आई। इसका मतलब क्या कि एक गिवन पोटेंशियल डिफरेंस के लिए अगर आपके पास ज्यादा रेजिस्टेंस है तो आपके पास कम करंट फ्लो होगा थ्रू दैट गिवन विल वोल्टेज थ्रू दैट गिवन कंडक्टर। वैसे अगर आपके पास ज्यादा करंट फ्लो कराना है तो आपको कम रेजिस्टेंस चाहिए होगा। सो व्हाट इट डायरेक्टली मींस इज कि रेजिस्टेंस इसीलिए इसे ऐसे कहा गया है, इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, राइट। अब ये करंट के फ्लो को अपोज करता है, दैट इज व्हाई यू मस्ट थिंक वेल देन करंट हमारी डिक्रीज करनी चाहिए कि अब हमारी कम चार्जेस फ्लो करने चाहिए थ्रू एनी गिवन वेल सरफेस एरिया थ्रू एनी गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया, बट विल बी शॉर्टली सीइंग कि कैसे हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर्स को एक्चुअल में यूज करते हैं टू बी प्रोवाइडिंग देम विथ मोर एंड मोर एनर्जी। जैसे हमारी रेजिस्टेंस एनर्जी ले लेती है इन चार्जेस से, एंड दैट इज वेल कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे एनर्जी लेती है ये थर्मल एनर्जी में ट्रांसफर कर देती है, और इसीलिए जो हमारे वायर्स होते हैं आफ्टर यूजिंग देम फॉर लॉन्ग इनफ टाइम ये गर्म हो जाते हैं, यू विल सी। एंड दैट इज बेसिकली क्योंकि रेजिस्टेंस इस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में रेजिस्टेंस की वजह से करंट या फिर चार्जेस से इनकी इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है थर्मल एनर्जी हीट एनर्जी में, दैट इज व्हाई ऑब्जेक्ट्स get heated when they are charged certain electronic devices. So I think that's about Ohm's law. यहाँ पे discuss किया गया, इसकी unit क्या है, इसकी unit हम लोग Greek letter omega से लिखते हैं, this is omega the unit that is the symbol and Ohm इसकी unit को कहा जाता है। I think we are sure about unit of voltage or potential difference. इसे वोल्ट में लिखा जाता है, वी हैव फॉर करंट इन एम्पियर्स। ऑल राइट, सो हियर वी हैव डन दिस। ओके, अब यहां पे ओम ने ये भी हमें बताया कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उन्होंने बताया कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के, कि अगर ज्यादा लेंथ है तो ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, ज्यादा अपोजिशन होगा। अगर ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो कम अपोजिशन होगा। उन्होंने बताया कि हमारे रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। इसका मतलब रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ लेंथ ऑफ कंडक्टर ओवर इट्स एरिया के। व्हाट दैट मींस इज कि रेजिस्टेंस को मैं एक सर्टेन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट टाइम्स एल ओवर ए, तो ज्योमेट्री में यही उसकी कंडक्टर की लेंथ एंड उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे मैं एक और प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल सब्सटेंस इटसेल्फ लिख सकता हूँ, जैसे रो से लिखा जाते एल ओवर ए, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ पे हम लोगों ने एक टर्म यूज किया जिसे कहते हैं रेजिस्टिविटी, डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर रो, एंड इसे डिनोट हम लोग कर रहे हैं रो से। तो अब यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है जो कि इस कंडक्टर की ज्योमेट्री पे भी एंड इस कंडक्टर की मटेरियल की प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करती है, ये लेंथ पे डिपेंड करी है एंड एरिया पे डिपेंड करी है एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिस्पेक्टिवली। एंड ये हमारी रेजिस्टिविटी है, ये है हमारी प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल इटसेल्फ। तो अगर आपके पास एक सर्टेन पीस ऑफ वायर है, आपने उसकी डबल लेंथ कर दी, मतलब आपने उसी वायर की रेजिस्टेंस डबल कर दी, क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ कर दिया, मतलब उसकी रेजिस्टेंस अगेन डबल कर दिया, या फिर अगर उसका मटेरियल चेंज कर दिया तब तो भी आपने इसको चेंज कर दिया। तो रेजिस्टिविटी इंडिपेंडेंट होता है ज्योमेट्री के, मतलब रेजिस्टिविटी बेसिकली मटेरियल का खुद होता है। एल्यूमिनियम वायर है तो अलग रेजिस्टिविटी होगी, कॉपर वायर है तो अलग रेजिस्टिविटी होगी।
रेजिस्टेंस इस पे भी डिपेंड करता है, उसकी ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखो ओम्स लॉ को एक और फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसे दूसरे फॉर्म में लिखा जाते आज दिस एंड इसके वेक्टर फॉर्म में, विच आई डोंट थिंक वुड बी वेरी यूजफुल बट इट्स गुड नोइंग इट लाइक नॉट एटलीस्ट इन 12th स्टैंडर्ड। दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये फॉर्म है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द एंड्स होगी, क्योंकि आपको पता है कि वेल यहाँ पे हम लोगों ने वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस यूज किया, यहाँ पे हम लोगों ने इसका वेक्टर एनालॉग इलेक्ट्रिक फील्ड यूज कर लिया, इक्वल्स रेजिस्टिविटी टाइम्स दिस जे। ये जे क्या है, इस चीज को हम लोग कहते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी होती एग्जैक्टली क्या है कि करंट डेंसिटी इज वेल द करंट पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाय दैट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो डेल्टा ए से लिख सकते हैं और वेल इसे ए से भी लिख सकते हैं, आई डोंट थिंक दैट्स एनी प्रॉब्लम इन दैट, एज लॉन्ग एज यू आर कंसिडरिंग कि कॉन्स्टेंट करंट फ्लो कर रही है तो आई ओवर ए होगा, अगर नॉन कॉन्स्टेंट करंट है मतलब ये चेंज हो रही है तो डी आई ओवर डी ए होगा, बेसिक कैलकुलस थिंग। अब यहाँ पे मैं एक यूनिट वेक्टर लिख लेता हूँ एन कैप, कंसिडरिंग की एन कैप इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो करंट, तो ऑल्दो करंट खुद एक स्केलर क्वांटिटी है लेकिन वेक्टर जे एक वेक्टर है, क्योंकि इसे हर पॉइंट टू पॉइंट पे एग्जैक्टली डिफाइन किया जाता है, इसे डिफाइन ही ऐसा किया जाता है पॉइंट टू पॉइंट बेसिस पे। सो मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर रियली गोइंग टू यूज करंट इंस्टेड ऑफ करंट डेंसिटी, बट इट इज गुड नोइंग अबाउट दिस, क्योंकि ओम्स लॉ को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे लिखोगे, वेल आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस एंड कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है, कि अगर एक डी डिस्टेंस है, वेल इफ यू हैव अ डी डिस्टेंस और इस केस में द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स, सो लेंथ ऑफ कंडक्टर इज एल, सो यू कैन राइट पोटेंशियल डिफरेंस इज द कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स एल, सो यू कैन राइट दिस एज ई टाइम्स एल इज इक्वल टू आई टाइम्स में आर। अब आई को मैं कैसे लिख सकता हूँ, आई को मैं वेक्टर जे, नाउ वी आर कंसिडरिंग मैग्नीट्यूड्स ओनली, लैटर में यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे, राइट, सो यू कैन कॉल इट जे टाइम्स ए, सो यू राइट दिस एज जे टाइम्स ए, टाइम्स में यहाँ पे आर हो गया, सो यू कैन क्लियरली सी ए यहाँ पे एल दूसरी साइड जाएगा एंड यू आर बेसिकली हैविंग दैट ई इक्वल्स आई ई इक्वल्स जे टाइम्स ए टाइम्स एल टाइम्स आर, राइट ओवर एल दैट इज। तो आपको क्लियरली कुछ कैंसिल आउट करके आपको पता चला दैट वेल आर ए ओवर एल को आप रो से रिप्लेस कर सकते हो, विच यू डू, एंड आपको यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट में इंस्टेड रो मिल गया एंड यू हैव फाइनली रिटन दैट ई इक्वल्स रो जे। एंड आपको इतना तो पता ही है, हम लोगों ने डिफाइन ही किया है कि करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा या फिर नेगेटिव के ऑपोजिट होगा, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल पॉजिटिव को अपनी डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता है, नेगेटिव को ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, सो यू ऑल्सो पुट द वेक्टर साइन देयर, या फिर यू कुड हैव एज वेल वर्कड विद वेक्टर्स ऑल अलॉन्ग, बट दैट इज हाउ वी चूज टू डू इट। सो आई थिंक दैट वुड बी अबाउट कूलम्स लॉ, लेट मी पॉज द वीडियो।